अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका शीरा बना लेंगे। तो इसके लिए एक कप मैंने पानी लिया है, उसमें आधा कप चीनी का ऐड किया है। चीनी को डिज़ोल्व होने तक पका लेंगे, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। 6-10 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, उनको ट्रायंगल्स में कटिंग कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी का किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। अब पैन में ऑयल गरम करके इसमें इन ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई करेंगे, क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इनको, तमाम स्लाइसेस को इसी तरह से लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब एक पैन में दूध ले लेंगे। 2 ग्लास मैंने ये दूध लिए हैं, यानी कि 1/2 लीटर। दूध को बॉयल होने तक पका लेंगे। तो ये देखें, दूध बॉयल हो चुका है। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 1/2 कप मैंने इसमें चीनी का लिया है। चीनी शामिल करने के बाद इसको कुछ देर और पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब एक प्याले में मैंने 1/2 कप दूध लिया है। ठंडा दूध हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें वनीला फ्लेवर लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उबलते हुए दूध में 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें कस्टर्ड वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर हिलाते रहेंगे उसे, ताकि इसमें जो है लम्स ना बने। शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट इसको मजीद पका लेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें, गाढ़ा हो चुका है। हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब एक डिश में सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस लगा लेंगे, उसके ऊपर ये शीरा डालेंगे। फिर उसके ऊपर कस्टर्ड वाला मिक्सचर डाल देंगे। इसी तरह से लेयरिंग करेंगे इसकी। अब दोबारा से ब्रेड की स्लाइसेस लगाएंगे और उसके ऊपर शीरा पोल करेंगे। फिर से कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो है इसके ऊपर डालेंगे। अब इसमें पिसा हुआ खोपरा ऊपर से डाल देंगे और थोड़ी सी इस पे चॉप की हुई बादामें डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा जो है ये डिज़र्ट हमारा तैयार हो गया है। बहुत झटपट से ही बन जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।